दोस्तों अक्सर लोग मंदिर, मस्जिद और चर्च में ईश्वर की पूजा करने के लिए जाते हैं, जहां मन की शांति मिलती है। वैसे शायद ही कोई ऐसा शख्स होगा जिसे मंदिर, मस्जिद और चर्च जैसे धार्मिक स्थल पर जाने की इच्छा न होती हो। लेकिन आज की वीडियो में हम आपको जिस चर्च के बारे में बताने जा रहे हैं, शायद ही वहाँ पर कोई जाना चाहे, क्योंकि इस चर्च में कोई ईश्वर नहीं बल्कि भूतों का बसेरा है। तो आज के वीडियो में हम आपको इसी चर्च के बारे में बताने जा रहे हैं, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। और हाँ दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि आगे आने वाले नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच जाए। और हाँ दोस्तों, आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करना ना भूलें। दोस्तों वैसे चर्च का नाम सुनते ही आपके जहन में एक ऐसे स्थान का ख्याल आता है जहां पर ईश्वर का वास होता है और लोग ऐसे जगहों पर अपनी सलामती की दुआ करते हैं। लेकिन हम आपको जिस भूतिया चर्च के बारे में बताने जा रहे हैं, वो दक्षिण गोवा के वलसाव से 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित कालसुलिम गाँव में है और इस चर्च का नाम थ्री किंग्स चर्च है। आमतौर पर लोग गोवा इसकी खूबसूरती और बीच का आनंद लेने जाते हैं, और अगर आप भी गोवा जाने की प्लानिंग कर रहे हैं तो गोवा के इस चर्च में तो आप भूल कर भी ना जाएं। वैसे थ्री किंग चर्च, इसका नाम इसके पीछे घटे घटना पर आधारित है, तो चलिए हम आपको इस चर्च के पीछे की कहानी को बताते हैं। दोस्तों कहा यह जाता है कि बहुत सालों पहले ये चर्च भी आम चर्च जैसा ही था, जहाँ लोग ईश्वर से प्रार्थना करने के लिए आते थे। लेकिन इसका ये हालात तब बन गया जब तीन पुर्तगाली राजा यहाँ रहने लगे। इन तीन राजाओं में राजाओं वाले एक भी गुण मौजूद नहीं थे। तीनों हमेशा इसी सोच में लगे रहते थे कि कैसे वो उस जगह पर राज करने लगे। इसके कारण तीनों राजाओं में हमेशा मतभेद रहता था और तीनों हमेशा इसी कारण आपस में लड़ते भी रहते थे। तीनों राजाओं में सत्ता का लोभ इस हद तक था कि ये एक दूसरे के जान के दुश्मन तक हो गए थे, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। तीनों में एक होलगेर नाम का राजा था जिसके मन में सत्ता का कुछ ज्यादा ही लोभ था, और इसी लोभ ने उसके दिमाग में एक शैतानी योजना को जन्म दिया। होलगेर ने बाकी दो राजाओं को चर्च में बुलाया और योजना के मुताबिक दोनों राजाओं को उसने जहर देकर मार दिया। लेकिन बुरे काम का नतीजा तो हमेशा बुरा ही होता है। जैसे ही होलगेर ने दोनों राजाओं को मार दिया, ये खबर लोगों में आग की तरह फैल गई और लोगों ने होलगेर को चारों तरफ से घेर लिया। उस राजा को शायद पता था कि आगे क्या होने वाला है। इससे पहले कि लोग उस राजा को क्षति पहुंचाते, उसने खुद की जिंदगी का अंत करना आसान समझा और लोगों के भय से उसने खुद जहर खाकर अपने जीवन का अंत कर लिया। इसके बाद लोगों ने तीनों राजाओं की समाधि उसी चर्च में बना दी, और शायद यही उन लोगों की सबसे बड़ी भूल कही जा सकती है। और इसके बाद से ही ईश्वर के पवित्र स्थानों वाले जगह पर भूतों का बसेरा हो गया, और तब से ऐसा माना जाता है कि यहाँ उन तीन राजाओं की आत्मा भटकती रहती है। और स्थानीय लोगों ने भी यहाँ से अजीबोगरीब आवाज़ें सुनी हैं। कईयों ने तो यहाँ पर रूहानी ताकतों को महसूस भी किया है। ऐसे ऐसे पैरानॉर्मल घटनाएं यहाँ हुई है जो इस जगह को गोवा में स्थित सबसे डरावनी और भयानक जगहों में से एक बना देता है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या इस चर्च में सच में कोई रूहानी ताकतों का बसेरा है या कुछ और? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएँ। और अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अपना कीमती वक्त देने के लिए धन्यवाद।